एचएनएन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरार अल रहमान। महाराष्ट्र की सियासत में तमाम उन विधायकों पर गहरी नजर बनी हुई है, जनता के भी और राजनीतिज्ञों के भी। क्या वो तमाम विधायक एकनाथ शिंदे के साथ उसी निष्ठा के जरिए बने रहेंगे या फिर कहीं ना कहीं उनके मन में बदलाव जो है वो भी देखने को मिल सकता है। दरअसल ये सवाल जन्म लेने तब शुरू हुए जब महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे ने यह ऐलान किया कि वो फिर से 39 विधायकों के साथ गुवाहाटी जाएंगे। दरअसल गुवाहाटी जाने का जो उनका फैसला था वो इस बात को लेकर के था कि इस पूरे मामले में अब जिस तरीके से सरकार बनाने में उनको सफलता मिली है तो एक बार वो गुवाहाटी जाकर मत्था टेकेंगे। लेकिन ऐसे में कई तरीके के उसके राजनीतिक मायने भी निकाले गए और निकाला भी जाता है। दरअसल अगर एकनाथ शिंदे को जाना था तो वो अकेले भी जा सकते थे, लेकिन 39 विधायकों के संग जाना ये बड़ी बात को दावत देता है। लेकिन उससे अलग आपको बताऊं कि दरअसल महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव से पहले सूत्र की माने तो एक बड़ा जो है फेरबदल देखने को मिल सकता है और एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम रणनीतियों पर पानी फिरता नजर आएगा। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने एकनाथ शिंदे का जितना इस्तेमाल किया और जिस तरीके से उन्होंने एकनाथ शिंदे को अपने कहने के मुताबिक तमाम तरीके से जो है उन रास्तों पर चलाया, लेकिन अब मामला बिल्कुल बदलता नजर आ रहा है क्योंकि अब विधायक अब पूरी तरीके से सरकार को हाईजैक करने की स्थिति में आ गए हैं और विधायकों के मन मुताबिक फैसले नहीं होने की वजह से उनका जो है मिजाज बदलता नजर आ रहा है। यहाँ तक कहा जा रहा है कि दरअसल वो फिर से एक बार जो है शिवसेना में वापसी कर सकते, लेकिन वाकई में क्या उनकी वापसी संभव है और अगर है तो कब तक इन बातों पर जो है मात्र कयासाराई करती जाएगी, क्योंकि अब तक आधिकारिक तो फैसला उन तमाम विधायकों के द्वारा आया ही नहीं है। देखते हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले कब तक इस पूरे मामले को लेकर के विधायक खुल करके अपनी बातों को जो है कैमरे के सामने रखते नजर आते हैं। इसका इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताजा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज को। धन्यवाद।